तो कक्षा 8 जो गणित है, चैप्टर नंबर 4 चतुर्भुजों को समझना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है वो हम पूरा करेंगे, और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है वो भी हम पूरा करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले ना, प्रश्नावली 3 दशमलव करने से पहले एक टॉपिक हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? देखो, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो 1, 2, 3, 4, 5 बहुभुज हो, चाहे वो 4 हो, कितनी भी बहुभुज हो, बहुभुज के जो बाह्य कोणों का माप होता है ना, ये डब्बा में बना दे रहा हूँ, किसी बहुभुज, चाहे 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 10 भुजा हो, 12 भुजा हो, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। बाह्य कोण मतलब जो बाहर बाहर बनते हैं, जैसे ये बाहर बना है, ये बाहर बना है ना, ये अंदर वाला है, अंदर की बात नहीं कर रहा, बाहर की बात कर रहा हूँ, सभी जितने भी बहुभुज होगा ना उनके बाह्य कोणों का कुल योग हमेशा कितना होता है? 360। प्लीज़ प्लीज़ इसे आप अपनी कॉपी में ढंग से लिख लो, क्योंकि आप बाद में इसे भूल सकते हो। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या बोल रहे हैं? आकृति 3.9 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो एक्स है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। सो देखिए, एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं कैसे? आपको बताएं, आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं, क्वेश्चन करने से पहले लिखोगे ऐसे पूरा उत्तर अच्छे तरीके से, हम जानते हैं बहुभुज की बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो बाह्य कोण कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो वो लिख दो, 50 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 110 कितना होता है? 360। इसको जोड़ो, 90 और 110 200, तो ये 250 प्लस एक्स, तो ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो घटाओ, 0 में से 0 घटाओगे 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर क्या होगा? 110। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 45 डिग्री है, तो कितने बहुभुज होंगे वो बताना है। तो देखो क्या होगा, आंसर कैसे निकलेगा? तो बहुभुज निकालना है हमें कि कितने बहुभुज हैं, बहुभुज, तो क्या होगा? आपको पता है कुल कोणों का माप कितना होता है? 360, और एक कोण का मान कितना है? 45। तो उससे आप भाग दे दो, काटो, 5 9 45, 5 7 35, 10 हो गया, हाँ 5 2 10, 9 8 72, तो बहुभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। ठीक है, कैसे निकालोगे? हमेशा जब एक सभी कोणों का मान एक जैसा होगा तो 360 कुल होता है बहुभुजों की बाह्य कोणों का योगफल, उसको 45 से भाग दे दोगे। इस क्वेश्चन में 45 दिया तो 45 से भाग दिए, किसी क्वेश्चन में 30 दे देगा, जितना भी देगा उससे आपको क्या कर देना है? भाग दे देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3.2 के पहले क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से हो जाएगा। बहुभुज 3 हो 4 हो 5 हो, नियम तो वही है। पहले क्वेश्चन में आ जाओ, देखो आप जानते हैं बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, तो क्या हो जाएगा? 125 125 प्लस एक्स, इसका योगफल कितना होना चाहिए? 360। इन्हीं सभी क्वेश्चनों को मैंने दूसरे तरीके से भी किया हुआ है, इनको कर लूँ फिर आपको बदल जाएगा, दूसरा तरीका भी देख लेना। तो 125 प्लस 125 250 प्लस एक्स, 250 उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर के उस तरफ लाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का है इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, घटाओ तो कितना जाएगा? 110 आंसर।
ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट बी में। देखो ये हमें कहाँ पर ये एक्स का मान निकालना है। अगर यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 90। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, क्योंकि बाएं कोण इस वाले में नहीं था तो निकालना बहुत ज़रूरी था। देखो बाएं कोण इसमें इस 90 का मतलब क्या होता है, 90 इंच। फिर से वही लिखोगे, हम जानते हैं हम बहुभुज में बाएं कोणों का कुल योग 360 होते हैं, अतः उसके बाद आपको क्या लिखना है, 90। ठीक है, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 60, यहाँ पर 90, फिर यहाँ एक्स, फिर यहाँ 70, और इनका कुल योग कितना होगा, 360। ठीक है, अब देखो 90 और 60 कितना होता है, 150। ठीक है, 90 और 60 कितना हो गया, 150। 150 और 90 240। ठीक है, 240 और 70 कितना हो गया, 240 और 70 सही जोड़ रहे हैं ना, ऐसे देखो 0 0 0 0 0, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31 प्लस एक्स, ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 60 में से 10 घटेंगे तो 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ये तो एक विधि है, ये तो एक विधि है, और दूसरी विधि से भी मैंने क्वेश्चन किया है, उसको भी ज़रूर देखना। कक्षा 8 गणित अध्याय नंबर 4 चतुर्भुजों को समझना कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये जो आकृति दिख रही है आपको, यहाँ पर x का मान निकालना है और यहाँ पर ये जो x है इनका मान निकालना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले वाले प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए आकृति आपको दिख रही है पहली वाली, सो आकृति तो चलो दिख गई, आपको एक नोट लिख देता हूँ, नोट हमेशा याद रखिएगा, किसी किसी रेखा पर, कैसी रेखा होनी चाहिए, सरल रेखा, किसी रेखा पर बने अंताकोण व बाह्य कोण का योग 180 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, इसे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। व त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। ठीक, ये चीज़ पता चली आपको। तो ये जो चित्र है ना, वो उसको मैं थोड़ा रफ बना लेता हूँ। ये हमारे पास चित्र है, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, और ये वाला कोण हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ वाला कोण कितना है, 125 डिग्री, ये वाला कोण कितना है, 125 डिग्री। नाम दे देते हैं कुछ, ये ए बी सी, त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो चूँकि देखिए इसको मैं क्या बोल देता हूँ, माना कि ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, नाम दे दिया। तो देखो ये एक सरल रेखा है, ये अंताकोण है और ये बाह्य कोण है। देखो 125 डिग्री प्लस वाई, सरल रेखा में अंताकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है, 180। तो ये 125 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है बराबर का, इस तरफ आके चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 180 में से जब 125 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 55। उसी प्रकार यहाँ पर भी तो 125 ही है, तो यहाँ पर भी वही नियम लगाओगे तो जेड का मान भी क्या आ जाएगा, 25। तो क्या लिखोगे, इसी प्रकार
जेड का मान भी कितना है? 55। कोई दिक्कत नहीं है, जेड का मान भी 55 आ गया। लिखोगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना, 180 होता है, यानी कि देखो जब तक अंतःकोण नहीं पता होगा, बाह्य कोण आप नहीं निकाल सकते। ये एक्स, इसको वाई माना था, इसको जेड माना था, इसको मैं, जैसे मेरा नाम तारक है तो मैं इसको टी लिख देता हूँ। आपको पता है वाई का, जेड का और टी का तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। तो वाई का मान अभी हमने निकाला था 55, जेड का मान भी अभी निकाला था 55, टी का मान हमें निकालना है। 55 55 110, ठीक है, ये इधर आके प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये कितना जाएगा? 180 में से 110 घटाएंगे तो 70, तो टी का मान आ गया 70। पुनः अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180। पुनः टी प्लस एक्स कितना? 180 होना चाहिए। सरल रेखा पर अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण मतलब जो बाहर बनता है, अंतःकोण मतलब जो अंदर बनता है, तो टी का मान कितना है? 70 रख देंगे हम यहाँ, तो ये 70 प्लस का, उधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 110। पहले वाले प्रश्न का उत्तर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हो गया। अब इसी आधार पर इस चित्र में आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है? जब भी ये डब्बा बना होगा इसका मतलब है 90। देखो यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा, 90, ठीक है, ओके, ये 90 हो गया। अब ये कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो हम कह नहीं सकते। और देखो इधर 60 है तो इधर कितना होगा? 120, ठीक है, और इधर 70 है तो इधर कितना होगा? 110। ये सब आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल अगर पता चल जाए तो आप x का मान निकाल सकते हो, आप x का मान आराम से निकाल सकते हो। तो देखो जब कुल कोण का अगर योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था n माइनस 2 गुणा 180। एन क्या होता है? भुजाओं की संख्या, है ना। तो इसमें देखो कितने भुजाएं? 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2 गुणा 180, 18 3 54, यानी कि 540 होगा सभी कोणों का योग, ठीक है। तुम अतः पंचभुज में, पांच भुजाएं तो पंचभुज बोल देंगे, पंचभुज में सभी कोणों का मान नाम दे दो, अच्छा होगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी प्लस ई, 540। क्योंकि जब तक अंदर का कोण नहीं निकालोगे तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का नियम लागू ही नहीं कर सकते। देखो ए का मान कितना आया था? 110, बी का मान 90, सी का मान 120, डी का मान 90 और ई का मान आपको निकालना है, ये 540 है। तो देखो 110 और 90, 200, 120, 320, 320 में 90 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 410 प्लस ई, 540, 540 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, चार में से एक गया तीन, पाँच में से चार गया एक, तो ई का मान क्या होगा? 130 डिग्री। अतः अंतःकोण वाला कोण वाला नियम लगाओगे यहाँ पर, ई प्लस एक्स, ये एक सरल रेखा है, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180। ई का मान है 130, यहाँ एक्स, 130 प्लस के इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का।
और 180 में से 30 को घटाओगे 130 को, तो कितना जाएगा 50। ये आ गया उत्तर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हो।